नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि बाकी 6 जिलों के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल रात से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों से तैयारियों को लेकर जानकारी भी ले रहे हैं। तो चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, हल्द्वानी, टिहरी, उधमसिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 6 जिले ऐसे हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपदा कंट्रोल रूम में धामी पहुंचे हैं और यहां पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। खासतौर पर अगर इस पूरे मानसून सीजन की बात की जाए तो उत्तराखंड में जबरदस्त हानि भी हुई है। और इसी बैठक के बाद हमारे संवाददाता से पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत किया, आइए सुनते हैं। जेएनके से लौटकर सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिजास्टर कंट्रोल रूम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि का जायजा लिया। सर, आपने बातचीत की वीसी के जरिए, क्या कुछ रहा? विभिन्न जनपदों में जो अगले 3 दिन का अलर्ट है उसको लेकर सभी जिलों के जो प्रमुख अधिकारी हैं और आपदा प्रबंधन के लोग हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुसार सबसे बातचीत की है कि वहां पर क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार से हम लोग वहां बचाव कर सकते हैं। हमारा यही है कि ऐसे समय में हर एक व्यक्ति जो भी आपदा से प्रभावित हो रहा है उसको तत्काल सहायता पहुंचाई जाए, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन किया जाए, जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं उन मार्गों को तत्काल खोला जाए और किसी भी जनहानि से और अन्य प्रकार की जो हानियां होती हैं उनसे लोगों को बचाया जाए। और चमोली में 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। बारिश से नदी नाले उफान पर बह रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है पूरे उत्तराखंड में। इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, बारिश की वजह से नदी नाले इस वक्त उफान पर हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, जगह जगह पर सड़कों पर मलबा आया हुआ है, जाम की स्थिति हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए और खासतौर पर जो सैलानी घूमने आ रहे हैं उनके लिए हो रही है। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे कई जगह पर इस वक्त बंद हो चुका है। कमेडा पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। इसके साथ ही पतालगंगा, पागलनाला, नंदप्रयाग में भी हाईवे बंद है। साथ ही मलारी हाईवे में भी लाता के पास 2 जगह पर यह बंद है, जिसकी वजह से यात्री फंसे हुए हैं। वहीं सभी जगहों पर सड़क खोलने का काम इस वक्त जारी है। और चमोली में लगातार बारिश हो रही है। मलबा आने की वजह से मलारी हाईवे लाता के पास बंद हो चुका है, जिसकी वजह से कई लोग फंस गए हैं। गोचर, सारी, रुद्रप्रयाग हाईवे पर 15 से ज्यादा तीर्थयात्री फंस गए। सूचना पर प्रशासन की टीम ने मलारी हाईवे पर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। प्रशासन की टीम ने रात 1 बजे तक 40 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया है। तो तस्वीरें भी हम रात की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर कई लोग फंस गए थे। हालांकि बाद में एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद जो 40 यात्री थे उनका रेस्क्यू किया गया। बागेश्वर में नदी नाले इस वक्त पूरे उफान पर है। जिले के 12 सड़कों पर यातायात बाधित है भारी बारिश के कारण। अलर्ट के चलते डीएम ने शुक्रवार को स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए। उधर लगातार बारिश से पालतू पशुओं के चारे का भी संकट पैदा हो गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाएं काफी परेशान भी दिखाई दे रही हैं। बागेश्वर में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त हो गया है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से पहाड़ में लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। जो गांव घरों की महिलाएं हैं वो खासा परेशान है, क्योंकि गाय भैंसों के चारे के संकट उन पे आ गया है। साथ ही लगातार हुई बारिश से जो नदी नाले हैं वो भी उफान पे हैं, पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, कई क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था ठप है और साथ ही तूफान इतना चल रहा है कि कई तरह के जो पेड़ वेड़ है वो भी लगातार गिर रहे हैं, जिससे काफी नुकसान पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बारिश अगर थमती नहीं है तो इससे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। न्यूज 18 बागेश्वर। और उत्तरकाशी में पिछले 32 घंटे से लगातार बारिश जारी है, जिससे जिले के नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। भागीरथी नदी इस वक्त उफान पर है। गंगोत्री, यमुनोत्री हाईवे
बंद है और जगह जगह पर बंद होने के बाद इसे खुलने का सिलसिला भी जारी है। 6 से ज्यादा ग्रामीण लिंक मार्ग इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। तो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ते कहीं पर कट गए हैं और ऐसे में कई सड़कें इस वक्त बंद हैं। जनपद उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के बाद जो नदियां हैं उफान पे है। हम आपको नजारा दिखा सकते हैं भागीरथी नदी का, किस तरह से जो नदियां हैं वो उफान में बह रही है। ये भागीरथी नदी है जिसको गंगा कहा जाता है, पूरी तरह से अपने वेग में उफान में बहती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से पिछले 30 घंटे से जनपद में लगातार बारिश जारी है, उसके बाद जो नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, सभी उफान में बह रही है और तटों को, घाटों को छू के बह रही है, जिससे कहीं ना कहीं लोग दहशत में हैं। और गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे की हम बात करें तो लगातार बंद और खुलने का सिलसिला जारी है, जिससे जो यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा 5 से अधिक लिंक मार्ग बंद है और जनपद में लगातार बारिश जारी है, जिससे पूरे हाईवे है जो गंगोत्री हाईवे कीचड़ में तब्दील हो रखा है और बड़ी परेशानियों का सामना जो स्थानीय लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। इसमें हालात यह है कि जनपद में लगातार बारिश जारी है और उस बारिश के बीच में जो प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रवीण कुमार, न्यूज 18। नैनीताल के उखलकांडा में लगातार बारिश से खंड शिक्षा अधिकारी का दफ्तर आपदा की चपेट में है। 2 दिन से हो रही बारिश के बाद सड़क से पूरा मलबा शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में घुस गया तो कई दस्तावेज और दफ्तर में रखा सामान खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। सड़क से आया मलबा बिल्डिंग के पीछे से घुसा है तो पानी भी कमरों में भर गया। हालांकि सूचना के बाद मलबा हटाने का काम इस वक्त किया जा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। तेज बारिश के बाद नैनीताल जिले की नदियां इस वक्त उफान पर है, लोग दहशत में हैं। कल रात से हो रही बारिश के बाद कोसी और शिप्रा नदी का पानी एकदम से बढ़ गया, जिससे खैरना बेतालघाट के लोग परेशान हैं। नदी के तेज बहाव में 2 गाय भी फंस गई, जिससे बाद में SDRF की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टेहरी जिले में भी पिछले 48 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं घनसाली के आपदा प्रभावित भिलंगना क्षेत्र में एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। लगातार हो रही बारिश से भिलंगना नदी के साथ कई गदेरे भी इस वक्त उफान पर है, जिससे आसपास के क्षेत्र में खतरा बना हुआ है। घनसाली गुत्तू रोड पर कई जगहों पर मलबा गिर रहा है, हालांकि मशीनों द्वारा मलबा हटाया जा रहा है। DM का कहना है कि घनसाली क्षेत्र में ग्राम प्रधानों से बातचीत की जा रही है, साथ ही प्रभावित इलाकों की मॉनिटरिंग की जा रही है। और आज फिर से कई मोटर मार्ग जो हैं ध्वस्त हो रहे हैं, आवागमन के रास्ते जो है जगह जगह टूटने से लोगों का आवागमन भी ठप पड़ चुका है और भिलंगना नदी भी काफ़ी उफान पर है और लोगों को पुनः ये डर सता रहा है कि जो पिछली बार रात्रि 21 तारीख को आपदा आई थी कहीं वही दोबारा देखने को न मिले। जो हमारे घनसाली क्षेत्र के ग्राम प्रधान है उन सभी से लगातार वार्ता की जा रही है कंट्रोल रूम के माध्यम से, ताकि सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। इस क्रम में ग्राम प्रधानों के द्वारा भी एक्टिवली काम किया जा रहा है और अभी तक तो कोई ऐसी क्षति की जानकारी नहीं है। कुछ सड़कें, करीबन 20 सड़कें अभी जनपद में बंद हैं। ग्रामीण कुमाऊं के 6 जिलों में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कुमाऊं में बहने वाली ज्यादातर नदियां इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बारिश की चेतावनी के चलते कुमाऊं के सभी जिलों के स्कूल आज बंद हैं, लेकिन दफ्तर जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें जबरदस्त बारिश का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो चुका है। उत्तराखंड के कुमाऊं के इलाके में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और बाहर से लेकर मैदान तक बहने वाली नदियां इसके कारण उफान पर है। इस समय मैं हल्द्वानी में गौला पुल पर खड़ा हूं और गौला पुल से आप देखिए ये गौला नदी का नजारा, कितना जबरदस्त ये नजारा है। ये मटमैला पानी बता रहा है कि पहाड़ों में किस कदर बारिश हो रही है। जो ऊपरी इलाके हैं नैनीताल के, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां से बह करके ये नदी आ रही है और आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ये उफान पर है। जो नैनीताल जिले में 30 से ज्यादा सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं, उसके अलावा
जो पूरे कुमाऊं में 150 से ज्यादा सड़कें, जो ग्रामीण सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज हैं, वो सबके सब बंद हैं। आप देखिए कितनी तेज हवाएं इसके साथ चल रही हैं, रिपोर्टिंग करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप घरों पे हैं तो सुरक्षित रहें, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार बारिश की जो गति है वो बढ़ती जा रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। और पहाड़ों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के आरती स्थल तक गंगा का पानी पहुंच गया। इससे तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं को दिक्कतें बढ़ गई हैं। और आज तो सुबह सुबह माँ गंगा का जलस्तर बिल्कुल जहाँ पूजा पाठ हम लोग बैठ के करते हैं वहाँ तक आ गया। पूजन पाठ में भी काफ़ी असुविधा है, पर हम लोग सावधानी पूर्वक करते हैं। भक्तों से भी निवेदन करते हैं कि आप तटवर्ती सीढ़ियों पे आराम से स्नान करें, ज़्यादा अंदर न जाएं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से लगातार गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। आप देख सकते हैं लगातार गंगा जो है वो पूजा स्थल तक पहुँच गई है, और इस समय जो ऋषिकेश में गंगा है वो वार्निंग लेवल के आसपास बह रही है, जिससे पूजा और कर्मकांड करने वाले जो यात्री हैं और श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। बारिश में हल्द्वानी के दानी जाला गांव के ग्रामीणों का अलग दर्द दिखा। शुक्रवार को इस गांव के रहने वाले एक पूर्व फौजी का निधन हो गया, लेकिन गौला नदी में उफान के कारण पैदल रास्ते से डेड बॉडी को अस्पताल से घर तक ले जाना और फिर घर से अंतिम संस्कार के लिए ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं था। आप देख सकते हैं पुल नहीं होने की वजह से कितनी दिक्कत आई। एक फौजी के शव को जलाने के लिए ले जाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक पुल ना होने की वजह से बरसाती नाले, इस वक्त नदियां उफान पर है, और बड़ी मशक्कत के बाद अंतिम संस्कार के लिए इन फौजी के पार्थिव शरीर को ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार बड़ी मुश्किल के साथ किया गया। और चमोली में लगातार बारिश हो रही है, और इसके बाद पहाड़ों में बर्फबारी की भी तस्वीरें अब सामने आई है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां चोटियों पर बर्फबारी होने से हेमकुंड साहिब में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देहरादून मसूरी हाईवे पर मैगी पॉइंट के पास एक बेकाबू कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कार में सवार दो की मौके पर मौत हो गई, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने चार लोगों को बचाया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो चार लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से ये गाड़ी गई हुई थी और खाई में गिरी, जिसमें छह लोग सवार थे, जिसमें से दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, लेकिन चार लोग इसमें घायल हुए। बाद में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, बड़ी मुश्किल के साथ इनका रेस्क्यू किया गया और इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब रहा। घायल बदमाश उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले हैं और मंगलौर इलाके में फाइनांस कर्मी से लूट में ये शामिल थे। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड में भू कानून और बाहरी लोगों की घुसपैठ पर कहा कि भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त जरूरी है, बिना भूमि बंदोबस्त के भू कानून का कोई मतलब नहीं है। वहीं डेमोग्राफिक चेंज को उन्होंने संवेदनशील मुद्दा बताया। साथ ही बाहरी लोगों की घुसपैठ पर कहा कि उन्हें बाहरी कहना ठीक नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि उत्तराखंड का चरित्र नहीं बदलना चाहिए। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, चिंता जताई जाती रही है, और इसके पीछे लोगों की मांग रही है कि उत्तराखंड में एक ठोस भू कानून होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। आपने गांव से लेकर गवर्नर हाउस तक का सफर तय किया है, आप भली भांति इन चीजों को जानते हैं। सर, उत्तराखंड में एक ठोस भू कानून की मांग उठ रही है, आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ठोस भू कानून की बात कर रहे हैं उनको ये पूछे कि हमारे उत्तराखंड में कितने प्रकार की भूमि है।
अगर वो उसका उत्तर दे दे तो फिर मैं आपको उत्तर दूं। इनमें से कोई भी नहीं जानता कि उत्तराखंड के अंदर कितने कम से कम 25 प्रकार के जमीनें हैं। पहले उसका अध्ययन तो करो। कोई बम्बई में बस गया, कोई दिल्ली में बस गया, कोई कहीं और बस गया। मैं तो जहां जाता हूं पंजाब में जाने कितनी जगह बसे हुए हैं, हमारे महाराष्ट्र में जाने कितने लोग बसे हुए, जगह जगह बसे हुए हैं। इसलिए ये जो बाहरी बाहरी वाला शब्द है, इसके स्थान पर यहाँ का जो भू चरित्र है वो न बदला। इस विषय को थोड़ा सावधानी से बात करनी चाहिए, क्योंकि अंत में ये कहीं हम लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है कि बाहरी बाहरी का करके, बजाय इसके यहाँ का मूल स्वरूप, यहाँ का जो सांस्कृतिक स्वरूप वो बना रहना चाहिए, ये विषय होना चाहिए। तो आप थे पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। आपका कहना है कि चाहे भू कानून की बात हो या डेमोग्राफिक चेंज की बात, इसका हल सिर्फ एक ही मुद्दे में है कि उत्तराखंड में पिछले 1962 के बाद जो बंदोबस्ती नहीं हुई है उसका बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्ती किया जाना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ सुनील नौ प्रभात, न्यूज 18 देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आयोजित युवा धर्म संसद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि सनातन चेतना और दर्शन की भूमि है और हमारी सरकार धार्मिक विरासत को संरक्षित करने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है, अनेक प्रकार के शोध यहाँ हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एक बड़े केंद्र के रूप में हम दून विश्वविद्यालय को इस दिशा में विकसित करेंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता की प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े हुए सभी पहलुओं और शिक्षण और शोध का कार्य किया जाएगा। बारिश के बीच कांग्रेस की केदार बचाव यात्रा पूरी हो गई है। आज कांग्रेस नेताओं ने केदारनाथ में जलाभिषेक किया और भैरव मंदिर में न्याय की अर्जी लगाई। इसके साथ ही कांग्रेस की केदार बचाव यात्रा का अब समापन हो गया है। आज केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का समापन यहाँ केदारनाथ में हो रहा है। यहाँ पर जलाभिषेक, पूजा अर्चना और भैरव बाबा के मंदिर में एप्लीकेशन लगाकर पंडित पुरोहितों के साथ बैठक कर अब यहाँ पर झंडारोहण की क्रिया समाप्त हुई है। अब यात्रा यहाँ पर समाप्त की जाती है। सभी यात्री अपने अपने घरों में यहाँ से वापस जाएंगे। अगर हम आपको कहें कि महाबली रावण भी उत्तराखंड के पहाड़ी गीतों को सुनकर खुश हैं और उनके दरबार में बकायदा पहाड़ी गीतों पर भी डांस होता है तो आप यकीन नहीं करेंगे। जरा देखिए रिपोर्ट। रावण दरबार में चल रहा ये कोई सामान्य नृत्य नहीं है, क्योंकि नृत्य तीनों वेदों के ज्ञाता, तीनों लोगों के विजेता महाबली रावण के दरबार में हो रहा है और ये दरबार सजा है अनोखी रामलीला में। देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी रामलीलाओं के लिए रियाज का दौर जारी है, लेकिन उत्तराखंड में एक जगह ऐसी है
जहां बकायदा राम दरबार सज चुका है और राम की लीलाएं भी शुरू हो चुकी है। और ये सब हो रहा है हल्द्वानी के नीलियम कॉलोनी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में। मानसून के बीच रामलीला का मंचन क्या जारी है। सिद्धेश्वर रामलीला कमेटी जो है अपने शंकर महाराज जी के आशीर्वाद से ये रामलीला प्रारंभ होती है। ये कुमाऊं की सबसे पहले होने वाली रामलीला है और ये रामलीला अपने श्राद्ध से पहले और आजकल के जो नवरात्र हैं उस पर ये रामलीला होती है। अगर सिद्धेश्वर मंदिर की इस रामलीला को बेमौसमी रामलीला कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर रामलीलाएं नवरात्र के समय में होती है। ऐसे इस बेमौसमी रामलीला को देखने खूब दर्शक उमड़ आए हैं। हमारे यहाँ जो रामलीला के लोग दर्शक आते हैं वो बहुत मस्ती में भगवान के उसमें विलीन हो जाते हैं, मस्ती लेते हैं, परम आनंद लेते हैं और उस परम आनंद का एहसास उनको ऐसा अनुभूति होती है कि ऐसा लगता है कि राम का जो मंचन है वो जो वहाँ उन्होंने किया था वो यहाँ पर प्रत्यक्ष दिखाई देता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर रामलीला देखने आते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर जितने दिवस बढ़ते जाते हैं वैसे भीड़ भी बढ़ते जाती है और क्षेत्र के लोग तो शाम हुई और रामलीला का इंतजार करते हैं। श्री राम, ये क्षेत्र ही श्री राममय हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भीड़ होना स्वाभाविक है। जाहिर है राम दरबार के लिए हर मौसम मुफीद है और इंटरनेट और मोबाइल के दौर में ये रस बना रहे इसके लिए रामलीला कमेटी ने मजेदार प्रयोग किया है। वो भी रावण दरबार में पहाड़ी नृत्य की एंट्री कराकर। जो पहाड़ी गानों पर नाचकर रावण के साथ ही रामलीला में आ रही जनता का खूब मनोरंजन कर रही है। और इसी मनोरंजन के बीच तीनों लोगों के स्वामी श्री राम के भी खूब जयकारे लग रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।